हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि नोट्स कैसे निकाले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नोट्स कैसे भी निकालो, उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यदि क्लास ख़त्म होने के बाद आप घर में जाके जो पहले 2 घंटे में वो आप नोट्स खोल के नहीं देख रहे हैं, तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे उतने ज़्यादा ही आप चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। होता क्या है, क्लास ख़त्म हो जाने के बाद जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, एक बार जो हमने जॉट डाउन किया है, वो घर में जाने के बाद, अपने रूम में जाने के बाद हम एक 15 या 20 मिनट के लिए बैठेंगे और जस्ट ओवरलुक करेंगे जो बुलेट पॉइंट हमने जॉट डाउन किए हैं, और थोड़े से उसमें एडिशन करेंगे, हमारे खुद के एडिशन करेंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, तो वो नोट्स कहलाएगा। नहीं तो वो एक पीस ऑफ पेपर है, जल्दी सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। तो यदि आप मुझे पूछना चाहेंगे कि नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स आप कैसे भी बनाइए, बट उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा पहले 3 से 4 घंटे में हम जब घर जाते हैं तभी आपको वो रिवाइज़ करने हैं। यदि आपने खुद सेल्फ स्टडी करके नोट्स निकाले हैं, तो दूसरे दिन जब आप उठते हैं तो पहले 5-6 घंटे में उसको आपको रिवाइज़ करना चाहिए। रिविज़न के लिए हार्डली हमको किसी कोई भी चीज़ हम पढ़ते, यदि 1 घंटे में जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ करने में हार्डली 10 मिनट लगेंगे, तो उतना तो आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप 5 घंटे पढ़ाई किए हैं पिछले दिन, तो रिवाइज़ करने में आपको हार्डली 45 मिनट्स लगेंगे। तो ये आप चीज़ ज़रूर आजमाइए, अपने स्टडी में ऐड करिए, और इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।